आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है, मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था ताकि वो जोड़कर ऊपर की कुछ कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। एक बार मैं शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से रवाना था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, यहाँ से 2 मील पर एक छोटा ढाबा है, अगर वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर देते हैं। मैं उसको मन ही में ठीक बोला और निकल गया। तभी उसने आवाज़ लगाई, पीछे वही दुकानदार आ रहा था और मेरे पास आकर बोला, हाईवे पर यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पर ही जाना, रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा, कोई भी रोके तो नहीं रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहाँ से निकल गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है इसलिए जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई, एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे से हॉर्न बजाई। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या फिर कोई पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि ये वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था, बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग जल रही थी। आसपास कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद दिया लेकर एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रात के रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या ही किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना ही फायदा होगा। इस पर वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे, ये सब मैं हमेशा साथ रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को क्या ही दिखता होगा, पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे। इस पर मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा कर आया, वहाँ बस तुम कोई कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली, मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे, एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पीकर खटिए पर लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर को लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेकर सो गया। थका हुआ तो था ही तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च चलाई तो देखा चूहा था, उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से अचानक रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया,
मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया। आवाज बाहर से आ रहे थे। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा कि बुढ़िया को आवाज लगाऊं, मगर ख्याल आया कि इतनी रात को वो कहां ही जागेगी। आखिर ये आवाज है किस चीज की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हिम्मत करके मैंने धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं तब भी गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहां बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज आएगी तो डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से लड़ रहा होगा, क्योंकि रोने की आवाज औरत की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अंदर पूरा अंधेरा था। कमरे में एक दिया जल रहा था, उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। वो बुढ़िया जो थोड़ी देर पहले तक सामान्य लग रही थी, वो अब बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल आंखों से देखे जा रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया तो मैं चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़े पहनकर था, पूरे कपड़ों पर खून रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज आ रही थी वो काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था जो शायद मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सुन हो गया। मैं पसीने से तर हो गया था। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खाकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ पड़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहां रास्ता दिखे वहां। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया और अब भागना मुश्किल था। थोड़ी दूरी पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे ही वहां पहुंचा जोर से चिल्लाने लगा। वहां काम करने वाले लोग उठकर आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए तू बच गया। ये सालों से चलता आया है। वहां जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहां फंसता ही है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान ने तुझे जिंदगी दी है। उस रात मैं उसी होटल में रुका और फिर सुबह होने के बाद ही वहां से निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बेरोजगार हुआ करता था। पिताजी का देहांत हो जाने के बाद उनका लिया हुआ सारा कर्जा मेरे सर पर आ गया, और क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा था तो सारी जिम्मेदारी भी। हालांकि मैं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा था, मगर उन कामों का कोई ठीक ठिकाना नहीं था। आज चालू तो कल बंद, ऐसे में मुझे तलाश थी एक मजबूत टिकाऊ नौकरी की। ऐसे ही एक शाम मैं घर पर बैठा लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त किशोर था।
किशोर जो कि पहले गांव में रहा करता था पर शहर में बढ़िया नौकरी मिल जाने की वजह से वो अब शहर में सेटल हो गया है। खैर किशोर मुझसे मिलने आया था। हमारे बीच बातचीत शुरू हुई जिस दौरान मैंने उसे अपनी पूरी परेशानी बताई तो मेरी बात सुन किशोर बोला, एक काम कर, तू कल मेरे साथ शहर चल, वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। किशोर की बात सुन मैं काफी खुश हुआ। अगली सुबह हम लोग शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। क्योंकि शहर हमारे गांव से थोड़ा दूर था तो पहुंचते पहुंचते शाम होना तय है। बहरहाल ठीक शाम के 7 बजे हम लोग ट्रेन से उतरे और किशोर के क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में किशोर ने मुझसे कहा, देख एक काम तो है पर थोड़ी परेशानी है, कर पाएगा? इस पर मैंने कहा, कैसी परेशानी? तब किशोर ने बताना शुरू किया, दरअसल एक घर है, तुझे हर रात वहां पहरेदारी करनी है, पर लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो घर भूतिया है, इसलिए वहां कोई पहरेदार नहीं रहे, पर अगर तू ये काम कर पाएगा तो तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था तो मैं तुरंत ही राजी हो गया। अगले दिन किशोर मुझे अपने मालिक के पास ले गया। किशोर के मालिक ने मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे काम पर रख लिया। ये इतना आसान होगा मैंने सोचा नहीं था, पर साथ ही साथ किशोर के मालिक ने मुझे एक चेतावनी भी दी, देखो कुछ भी हो जाए पर तुम उस घर के अंदर मत जाना, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी होगी, आज रात से ही काम पर लग जाओ। काम मिलने से मैं काफी खुश था पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, पर जब तय किया है तो ये काम करूंगा। रात 10 बजे से थोड़ा पहले ही मैं उस घर के पास पहुंच गया। ठंड का मौसम था और चारों तरफ कोहरा पसरा हुआ था। उस घर के बाहर एक छोटा सा बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं उसी बेंच के ऊपर बैठ गया। हवाएं काफी तेजी से चल रही थी, ऊपर से चारों तरफ खुला होने की वजह से ठंड थोड़ी ज्यादा ही लग रही थी। हालांकि मेरे पास एक चादर था पर वो उस जमा देने वाली ठंड के लिए काफी नहीं था। खैर मैं बेंच पर बैठा रहा। मैंने यूं ही बैठे बैठे एक नजर घुमाकर टॉर्च की रोशनी में उस घर को देखा। वो घर काफी बड़ा और काफी पुराना मालूम पड़ रहा था। मुझे किशोर की एक और बात खटक रही थी कि यहां तो भूत प्रेत जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, फिर लोग यहां आने से क्यों डरते हैं? वहां उस घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था, अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल। भूत से तो नहीं पर मुझे उस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा लग रहा था। यूं ही उस बेंच पर बैठे बैठे 10 से 11 और 11 से 12 बज गए। मुझे काफी नींद आने लगी। कुछ देर तक तो मैं जगे रहने की कोशिश करता रहा मगर फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया, मुझे कुछ याद नहीं ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई आवाज लगाकर किसी को बुला रहा हो। मैं अपनी जगह पर से उठकर बैठ गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वो आवाज घर के भीतर से आ रही थी। मैं थोड़ा अकबका गया कि भला घर के भीतर से आवाज कैसे आ सकती है जबकि घर में तो कोई रहता ही नहीं है। एक बार को मैंने सोचा कि अंदर जाकर देखता हूं मगर फिर मालिक की कही गई बात याद आ गई। उन्होंने अंदर जाने से सख्त मना किया था। कहीं ना कहीं मुझे अब डर भी लगने लगा था पर फिर मैंने सोचा हो सकता है अंदर कोई चोर हो, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे के पास जाकर जैसे ही हाथ मारना चाहा कि वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया।
मुझे लगा शायद हवा से खुल गया होगा और मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शायद ठंड काफी बढ़ गई है, यही सोचकर मैं आगे की तरफ जाने लगा। वो घर बाहर से जितना बड़ा लग रहा था, अंदर से और भी ज्यादा बड़ा था। खैर, मैं आगे बढ़ता गया। वो आवाज घर के अंदर से ही कहीं से आ रही थी। अभी मैं उस घर के हॉल रूम में पहुंचकर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक खुले हुए कमरे के दरवाजे पर गई, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। मैं चलते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचा और जब अंदर झांका तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस कमरे में एक आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था और उसके सामने की तरफ यानी मेरे नजरिए से उसके पीछे एक टेबल पर एक आदमी लेटा हुआ था। मुझे वो आदमी भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा जरूर ये कोई चोर है, जिस वजह से मैंने उसे हड़काते हुए कहा, ए, कौन है वहां पर? मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और उसके हाथों में इंसानी मांस था। इतने में ही मैंने जब उसके पीछे लेटे हुए उस आदमी की ओर देखा तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर फड़ा हुआ था और शायद उसी का मांस उस आदमी के हाथों में था। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे गिर गया। धीरे धीरे वो आदमी अब मेरी ओर बढ़ने लगा था। खून से सने उसके लाल चेहरे के बीच सफेद चमकती उसकी आंखें मुझे लगातार घूरे जा रही थी। जैसे तैसे मैं उठकर खड़ा हुआ और दौड़ते हुए घर से बाहर की ओर भागने लगा। शायद वो पिशाच भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस भागे जा रहा था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी किसी चीज से पैर टकराने की वजह से मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर खड़ा हो सकूं। मैं वहीं पड़े पड़े पीछे पलटा तो वो पिशाच ठीक मेरे पीछे ही खड़ा था। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाकर मेरी ओर आने लगा। मैं समझ चुका था कि आज ये मेरी आखिरी रात होने वाली है और मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पिशाच एकदम से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन जब होश आया तो मैं सीधे भागकर उस घर से बाहर निकल आया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र किशोर से किया तो उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक मर्डर हुआ था। कहते हैं कि तब से जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। साथ ही किशोर ने यह भी कहा कि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट है, इसलिए उस पिशाच ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उस रात मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने वो काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।